आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन प्रोसेस में जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती है वो क्या होती है। दोस्तों, आज जब हमारे सारे काम इंटरनेट पर आधारित हो गए हैं तो फिर नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी, पीछे कैसे रह सकती है। आजकल ज़्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल्स पर आसानी से अवेलेबल होते हैं और उनसे संबंधित सारी जानकारियाँ भी आपको ऑनलाइन मिल ही सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहली गलती होती है स्पेलिंग और ग्रामर की गलती। ये सबसे महत्वपूर्ण गलती होती है। कोई भी रिक्रूटर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी इसी गलती को नोटिस करता है, और अगर एक रिक्रूटर ने आपकी ये गलती या फिर गलतियां नोटिस कर ली तो वो आपकी काबिलियत को कम करके आता है, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। आप थोड़ी सी सावधानी बरत कर इस गलती से खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये एप्लीकेशन फॉर्म आप ही की तो डिटेल्स कैरी करता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गलती होती है दोस्तों, निर्देशों को अनदेखा करना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते वक्त अगर आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या फिर उन्हें आप अनदेखा करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और फिर भरें, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन निर्देशों के अनुसार ना होने के कारण रिजेक्ट भी हो सकता है। तीसरी बहुत ही कॉमन गलती होती है अपने बायोडेटा में गलत या बढ़ा चढ़ाकर जानकारी देना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलती है जो ज़्यादातर जानबूझकर करी जाती है, और इससे आपको खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के दौरान या फिर कई बार नौकरी लग जाने के बाद भी आप अपनी नौकरी को खो सकते हैं। कई बार कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स लास्ट डे पर सबमिट करते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अक्सर हजारों या फिर लाखों कैंडिडेट सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि एप्लीकेशन लेने के लास्ट दिन पर सर्वर्स डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ही ना हो पाए। एक और बहुत ही कॉमन गलती जो नोटिस करी जाती है वो होती है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स के कुछ कॉलम्स को खाली छोड़ देना। अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जल्दबाजी में एप्लीकेशन फॉर्म्स के कुछ कॉलम्स खाली छोड़ देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। कई बार कैंडिडेट्स जल्दबाजी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसे प्रूफ रीड नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जिसे आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग या फिर ग्रामर एरर्स या उसके अलावा कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसको सबमिट करने से पहले एक बार प्रूफ रीड ज़रूर कर लें। दोस्तों, एक और गलती जो अक्सर देखी जाती है वो होती है अटैचमेंट ना सबमिट करना। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स की एक स्कैंड कॉपी लगाकर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ज़रूर भेजें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या ऐसा करने से भूल जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक और बहुत ही कॉमन गलती जो देखी जाती है वो होती है ओवर या अंडर क्वालिफाइड होने के बावजूद एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना। कई बार कैंडिडेट्स जॉब के एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त जॉब की क्वालिफिकेशनल डिमांड्स को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जॉब की क्वालिफिकेशनल डिमांड्स को ध्यान से पढ़ें, और यदि आप ओवर या फिर अंडर क्वालिफाइड हैं तो आप उस एप्लीकेशन को भर कर ना भेजें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते भी हैं तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपको सरकारी नौकरी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जाने अनजाने में हो जाने वाली गलतियों से बचाएंगी, और साथ ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट हो जाने से भी बचाएंगी। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड ऑन दैट नोट टिल द नेक्स्ट टाइम इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।